मानना पड़ेगा 2019 को दोस्तों, क्या साल रहा है ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए। साल की शुरुआत दोस्तों जनवरी में फिल्म रिलीज होती है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, जो कि विमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल फिल्म है। और उसके बाद साल का जो एंड हो रहा है दोस्तों, वो भी इसी तरीके की एक फिल्म से हो रहा है जिसका नाम है मर्दानी पार्ट 2। एंड आई मस्ट से द ट्रेलर लुक्स Just intriguing, it's out of the world। And अगर बात करें दोस्तों, तो मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने चार बार इस वीडियो को बनाने से पहले देखा है ट्रेलर, because I can't resist myself, because trailer is so good। मतलब अगर बात करें ट्रेलर फर्स्ट सीन से लेकर लास्ट सीन तक इतना पेसी है, इतना ज्यादा क्लासी है कि मैं क्या बताऊं। रानी मुखर्जी यार, ब्लैक, बंटी बबली, मर्दानी जैसी अनेकों फिल्म करने, हिचकी जैसी फिल्म करने वाली रानी मुखर्जी दोस्तों अब फाइनली एक और नए अवतार में आई है मर्दानी 2 में। देखना लिटरली अमेजिंग है। और मैं सच कह रहा हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ रानी मुखर्जी जी। बट पास में कुछ चीजें हुई थी दिल बोले हड़िप्पा टाइप्स की, उन्होंने फिल्में कर दी थी तारा रमपम, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका ग्राफ थोड़ा सा स्लो हो गया था। बट अगर बात करें दोस्तों, रानी मुखर्जी ने जो कमबैक मारा है, चाहे वो हिचकी ले लीजिए, मर्दानी 1 ले लीजिए या फिर मर्दानी 2 ले लीजिए, इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। शिवानी राव के जो कैरेक्टर है इनका, ये इतना ज्यादा फियर्स कैरेक्टर है दोस्तों, जो कि आज की करंट जनरेशन की मॉडर्न वुमेन को रिप्रेजेंट करता है। माँ दुर्गा का अवतार कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो लड़की जो कि अपने एथिक्स, अपने उसूलों पर इतनी कायम है कि वो सामने वाले से भिड़ते वक्त जो कि गलत कर रहा है समाज में, उसको कोई भी डर नहीं है, उसको कोई भी इनहिबिशन नहीं है, और वो सीधा घुस जाती है। अगर बात करें ट्रेलर की दोस्तों, तो ट्रेलर में लिटरली वो जो वाहियात हरकतें होती हैं, जो समाज में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स करते हैं, रेप, मर्डर, फिर उसके बाद अगर बात करें दोस्तों जो एक फिजिकल एक्सटॉर्शन होता है विमेंस का, उस पर ये कहानी बेस्ड है, रियल इंसिडेंट पर ये कहानी बेस्ड है, और कोटा जैसे स्मॉल लोकेशन को इस बार इन लोगों ने चुना है। बात करें अगर दोस्तों मर्दानी की, तो मर्दानी की कहानी मुंबई से शुरू हुई थी, दिल्ली गई थी, और अब जो है ये अलग अलग शहरों में भी जा रही है, जैसा कि राजस्थान के कोटा में। फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ज्यादा कसी हुई लग रही है ट्रेलर वाइज, और साथ ही साथ एक्शन सीन्स भी दमदार लग रहे हैं। एंड रानी मुखर्जी ने जो एक्शन किया है लास्ट में, जो बेल्ट से दे बेल्ट, दे दनादन, वो दोस्तों लाजवाब है। रानी मुखर्जी की अगर बात करें, तो उनकी आंखों में से ही एक ज्वाला निकलती है, एक आग निकलती है दोस्तों, जो कि इस कैरेक्टर को, शिवानी के कैरेक्टर को आगे लेकर जाती है। लेट्स सी इसमें विलन कौन है यार, ये विलन बड़ा ही साइकोटिक लग रहा है, देखना दिलचस्प रहेगा। आपका क्या रिएक्शन है दोस्तों, ट्रेलर देखिए फटाफट। यशराज में आया है, और यशराज ने तो इस बार धमाल मचा दिया यार। आई एम रियली हैप्पी फॉर यशराज दोस्तों। पहले अगर बात करें वॉर रिलीज होती है, और अब मर्दानी जैसी फिल्म। एंड लेट मी से दिस थिंग, दिस फिल्म डेफिनेटली गोना रॉक, मर्दानी, जो कि रिलीज हो रही है 13 दिसंबर को। आपका क्या रिएक्शन है फटाफट ट्रेलर देख के बता दो यार, और बने रहो चैनल के साथ। कीप ऑन वॉचिंग।